वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश जून। आज हम नाइन्थ क्लास की फर्स्ट पोइम द रोड नॉट टेकिन के स्टेंजा कवर करेंगे। तो पहला स्टेंजा है हमारा, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो बोर्ड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टोर्ड एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो इस स्टेंजा से हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर्स छाटने हैं। तो इस स्टेंजा का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड द पोएट स्टैंड व्हाट डिड ही शी, पोएट कहाँ खड़ा था और वह क्या देख रहा था। तो आंसर है हमारा, द पोएट स्टूड इन अ वुड ही सॉ टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। कवि एक जंगल में खड़ा था और वह एक येलो वुड में, एक पीले जंगलों में एक सड़क को दो भागों में डिवाइड होते हुए देख रहा था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इस स्टेंजा का, व्हाई डिड द पोएट स्टैंड देयर फॉर लॉन्ग, पोएट वहाँ काफ़ी देर तक क्यों खड़ा रहा। तो आंसर है हमारा, द पोएट स्टूड देयर फॉर लॉन्ग थिंकिंग इट विच वे ही चूज टू गो टू हिज गोल। वह वहाँ यह सोचते हुए खड़ा था कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उसे किस मार्ग को चुनना है। ही हैड बीन वॉचिंग द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेस वेयर एवर ही कुड सी, जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक वह वहाँ खड़े होकर उन जंगलों, उन घने पौधों को और झाड़ियों को देख रहा था। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। स्टेंजा का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द पोएट डिस्क्राइब द वुड एज येलो, कभी जंगलों को येलो क्यों डिस्क्राइब करता है, पीला क्यों कहता है। तो आंसर है हमारा, द पोएट डिस्क्राइब्स द वुड एज येलो बिकॉज ऑफ द लीव्स दैट हैड टर्न्ड येलो इन द ऑटम। कभी उन जंगलों को येलो इसलिए कहता है क्योंकि ऑटम में, पतझड़ के मौसम में, उस जंगलों की पत्तियां येलो हो गई हैं, पीली पड़ गई हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर, उन शब्दों को पॉइंट आउट करना है जिनकी राइमिंग स्कीम एक साथ है। तो स्टेंजा से हम वर्ड्स को छांटेंगे। तो वर्ड्स हैं हमारे, वुड राइम्स विद स्टूड एंड कुड, यहाँ पर तीन वर्ड हैं, वुड स्टूड एंड कुड। और जो सेकंड आपका राइमिंग वर्ड है, बोथ राइम्स विद अंडरग्रोथ। तो ये दो पेयर हैं जिसमें एक में तीन है और फर्स्ट में तीन है और सेकंड में दो है। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेंजा है वो है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट ही द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो इस सेकेंड स्टेंजा से हमें क्वेश्चन के आंसर छांटने हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रोड डिड द पोएट टेक, पोएट कौन सी सड़क को चुनता है। तो आंसर है हमारा, द पोएट टुक द वे लेस ट्रेवल्ड बाय, इट वॉज ग्रासी एंड हैड नॉट बीन यूज बिफोर। पोएट उस सड़क को चुनता है जहाँ पर बहुत ही कम यात्रा की गई है और यह घास से भरा हुआ था एंड हैड नॉट बीन यूज बिफोर, ऐसा लग रहा था कि इससे पहले उसे यूज नहीं किया गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, Why did the poet take the other road? Poet दूसरी सड़क क्यों चुनता है, क्यों लेता है। तो आंसर है हमारा, the poet took the other road because it was grassy and was not used. Poet दूसरी सड़क इसलिए चुनता है क्योंकि वह घास से भरी हुई थी और उसका अभी तक यूज नहीं किया गया था। Sometimes different ways give us different success in life. कभी कभी डिफरेंट वेज, जो हम डिफरेंट रास्ते चुनते हैं, वो हमारे जीवन में एक अभिन्न सफलता प्रदान करते हैं। तो यही कारण है कि पोएट दूसरा मार्ग चुनता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर, हमें वो शब्द छांटने हैं जो
राइम करते हैं, पोएम में राइम स्कीम बनाते हैं। तो उस स्टेंजा के जो राइमिंग वर्ड्स हैं, फेयर राइम्स विद वियर एंड देयर, और सेकंड जो है क्लेम राइम विद सेम। तो ये इसके राइमिंग वर्ड्स हो गए। इसके बाद हम थर्ड स्टेंजा स्टार्ट करेंगे। थर्ड स्टेंजा है हमारा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वलीले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो ये हमारा थर्ड स्टेंजा हुआ, जिसके हमें क्वेश्चंस के आंसर छांटने हैं। तो थर्ड स्टेंजा का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड बोथ द रोड्स लुक लाइक दैट मॉर्निंग, उस सुबह दोनों सड़कें कैसी प्रतीत हो रही थी। तो आंसर है हमारा, बोथ द रोड्स वर इक्वली लॉन्ग, दोनों सड़कें बराबर लंबी थी। बोथ वेज वर इक्वली यूज्ड, और दोनों रास्ते बराबर यूज़ किए गए थे। वेयर वर द पोएट कुड सी, जहाँ तक पोएट देख सकता था। दे बोथ वर वॉक्ड विद स्पेसिफिक वे, दोनों मार्ग विशेष तरीके से दोनों मार्ग पर चला गया था। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, इस सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है कि ओह आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनादर डे, अरे मैं ये जो पहला वाला मार्ग है इसे किसी दूसरे दिन यूज करूँगा। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है, आंसर है हमारा, द पोएट मीन्स टू से दिस फ्रेज दैट ही डिसाइडेड टू ट्रेवल ऑन द सेकेंड एंड कीप द फर्स्ट फॉर अनादर डे। पोएट सेकेंड वे पर चलने का डिसाइड करता है और पहले मार्ग को वो किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज वे लीड्स इन ऑन टू वे, कवि का एक क्या कहने का मतलब है इस फ्रेज का। तो आंसर है हमारा, पोएट मीन्स टू से दैट फ्रेज दैट ही न्यू हाउ वन वे ओपन्स द पथ ऑफ अनादर, कभी कहता है कि वो जानता है कि किस तरह से जब हम कोई एक रास्ता अपनाते हैं तो वह एक रास्ता किस तरह से दूसरा मार्ग हमारे लिए खोल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पोएट डाउट, कवि को क्या डाउट है, क्या संदेह है, क्या संदेह था। तो आंसर है, द पोएट डाउटेड इफ ही शुड एवर कम बैक, कवि को डाउट होता है कि क्या वो कभी इस रास्ते में, जिस रास्ते में वो जा रहा है, क्या वह कभी वापस आ पाएगा। इस तरह से पोएट संदेह करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर, तो हमें राइमिंग वर्ड्स इसके छांटने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स इसके होंगे, आप ले राइम्स विद डे एंड वे, और सेकंड होगा हमारा ब्लैक राइम्स विद बैग। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हुए। फोर्थ स्टेंजा है हमारा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। ये हमारा फोर्थ स्टेंजा है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रोड डिड द पोएट टेक, कभी कौन सा रास्ता अपनाता है। तो आंसर आ जाएगा हमारा, द पोएट टुक द रोड विच वॉज यूज बाय ओनली अ फ्यू पीपल, कभी उस रास्ते को अपनाता है जिस पर बहुत ही कम लोगों ने चला है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, Why will the poet sigh? कवि क्यों आह भरेगा? तो कवि कहता है, the poet will sigh because his choice of the way will make a big difference. कवि आह भरेगा क्योंकि उसके रास्ते के चुनाव से बहुत कुछ बदल जाएगा, different होगा। Last question है, what will happen by the choice of the road? इस दूसरे सड़क के चुनाव से क्या होगा? तो आंसर है हमारा, दिस चॉइस विल डिसाइड द पोएट्स फ्यूचर लाइफ, यह जो चॉइस है, ये चुनाव है, ये कवि के फ्यूचर के जो भावी जीवन का
डिसीजन करे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द वर्ड्स विच राइम टुगेदर। तो इस स्टेंजा की राइमिंग वर्ड्स होंगे, साई राइम्स विद आई एंड बाई, और लास्ट होगा जो हैंस राइम्स विद डिफरेंस। तो ये इसके राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो आज की ये स्टेंजा वाली वीडियो कंप्लीट होता है। इसमें पूरे 4 स्टेंजा मैंने कवर किए हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको ये राइट करना है, समझना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकें। और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।